हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदफ़ और आप देख रहे डेली फूड। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और क्रंची, ऊपर से क्रंची अंदर से एकदम सॉफ्ट सामी कबाब। ये बहुत फेमस रेसिपी है, आप सभी तो जानते ही होंगे सामी कबाब के बारे में। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और क्रंची होता है और ये दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे बनाना बहुत आसान है और ये एकदम खाने में मुंह में एकदम घुल जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 500 ग्राम बोनलेस चिकन को अच्छे से छोटा छोटा पीस कर लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लेंगे। और ये है चना दाल, इसे हम अच्छे से भिगो के अच्छे से धो के लगभग ये कप से थोड़ा सा कम ये दाल है, इसको अच्छे से हम वॉश कर लिए हैं। और ये 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 से 1.5 इंच अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में हम इसे पकाएंगे कीमा को, और चिकन डालेंगे और अब हम इसमें चना दाल डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम तीखा इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। और फिर सारे मसाले को इसमें हम डाल देंगे और फिर अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि अच्छे से मसाला और चिकन दाल अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, ज़्यादा मसाला डालने से उतना थोड़ा सा ही मसाला डालें और इसे भी अच्छा एकदम टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से आप बनाएं। और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी, ताकि अच्छे से ये पक जाए। इतना पानी डालें जितना कि ये पक जाए और फिर हम 7 से 8 सीटी हम लगाएंगे। गैस को फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और अब हम ढक्कन ठंडा करके ढक्कन को खोलेंगे। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से चिकन और दाल अच्छे से पक गया है, कीमा तैयार है सामी कबाब का। और अब हम इसे एक प्याला में हम निकाल लेंगे, यानी कि बाउल में, और आप देख सकते हैं कीमा को अच्छे से पीस के हम तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसमें हम 1 से 2 चॉप किया हुआ प्याज, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डालें इसमें, हम इसमें 2 प्याज को बारीक चॉप करके। और अब हम इसमें हरा धनिया फ्रेश इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा हम हरी मिर्च चॉप किया हुआ 3 से 4, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले भी हम इसमें नमक ऐड किए थे इसलिए हम हिसाब से नमक डालें। और थोड़ा सा हम हाफ लेमन जूस इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम, ये गेहूं का आटा है, इससे कीमा हमारा फटता नहीं है, एकदम अच्छे से कीमा बनता है, कबाब बनता है। और फिर हम हाथ की मदद से हम अच्छे से हम मिला देंगे, अच्छे से एकदम हाथ की मदद से एकदम अच्छे से मिला के। और ये है 2 अंडा, वाइट वाइट पार्ट अंडे का, और फिर हम 2 कीमा को हम 2 हाथों से, दोनों हाथ से हम दो दो बना के तैयार करेंगे और फिर एक एक करके हम गोला बनाएंगे इसका। आप देख सकते हैं 2 तरह का हम बनाएंगे, एक चिपटा हुआ और एक गोल गोल रसगुल्ले के शेप में। और सारा कीमा गोला सामी कबाब बनके तैयार है।
अब हम इसे अंडे का वाइट पार्ट में हम इसे डाल के और तेल को हम एकदम हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें हम कबाब को हम एक एक करके सामी कबाब को हम इसमें डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और फिर 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे, एक एक करके हम इसे पलटेंगे और इसे हम एकदम डीप फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि अच्छे से अंदर से एकदम पक जाए, अंदर से एकदम कच्चा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुंह में जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम इसे चलाएंगे, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ऊपर से भी एकदम क्रंची बन गया है। अब हम इसे एक एक करके हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप चाहें तो इसे इस पे टिश्यू पेपर रख के और इस पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हम थोड़ा सा कलछी को ये ऊपर करके थोड़ा सा हम इसे तेल एक्स्ट्रा तेल को हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं सामी कबाब एकदम डिलीशियस क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के हमारा सब रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्रंची, इसे दाल चावल के साथ एकदम खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही डिलीशियस ये सामी कबाब है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप अपने घर में इसी तरीके से एकदम डेली डिलीशियस डिश बनाएं और अपने घर वाले को एकदम खुश रखें और होटल जाना भूल जाएं, क्योंकि घर में ही इतना अच्छा अच्छा डिश बनेगा तो होटल जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होटल का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप होटल जैसा खाना घर पे ही बनाएं और अपने घर को घर वाले को सभी को खुश रखें। और मेरा वीडियो हर रोज़ देखें, और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।